अब आ गए हम हमारे घर की तरफ। देखो अभी तो खेतों में है और ये हेलो दोस्तों, राम राम। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखो यहाँ पे सुबह के 5 बजे हैं अभी तो, और हम जा रहे हैं कोटा। अब यहाँ कोटा से से गांव जा रहे गांव हैं। जाएंगे आज, क्योंकि इनको बच्चों को और खेलों को गांव रहना है अभी इसमें कुछ दिनों के लिए, सॉरी 10 दिन के लिए करीब। तो इनकी पैकिंग वगैरह सब हो गई है, इधर ये बैग पैक कर लिए हैं, ये शोर नितारा भी तैयार हो गई है और खेलो भी पूरी तरह तैयार हो गई है। बस यहाँ से हम जाने वाले हैं। हेलो करो बेटा, दोस्तों, हेलो दोस्तों, यरसू हेलो करो बेटा। जोर से हाँ ले चलो बेटा, सब सामान ले चलो। हाँ तो दोस्तों, अब आपको ये गांव पहुंचते ही खेलू गांव की ब्लॉग दिखाएगी। ये कम से कम 10 दिन रहेगी, तो आपको रोज गांव के ब्लॉग देखने को मिलेंगे और आपको जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। हाँ तो अब हम यहाँ से चलते हैं, बच्चे भी इनके दादा दादी के पास रहेंगे 10 दिन के लिए, ये भी काफी खुश हो रहे हैं। चलो तो आज फिर हम भी जा रहे हैं गांव के लिए, तो गांव चल के मिलते हैं फिर। ना खेलू गांव के ब्लॉग बनाएगी हाँ अब, और आपको जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम आगे की प्रक्रिया। अब आ गए हम स्टेशन पे। ये गाड़ी है जिसमें जाने वाले हैं और यहाँ से जाने वाले हैं हिंडोन। तो हिंडोन जाकर फिर हम दूसरी गाड़ी चेंज करेंगे। तो यशु नितारा अभी अंदर बैठ गए उनके पापा के संग और हमने बैग भी रख दिया है। तो देख लो आज अब की बार हम अलग गाड़ी में जा रहे हैं। तो हम चढ़ गए ऊपर, देख कमरा से दिखा देते हैं। तो अब चलने वाले हैं, यहाँ पे सीट है हमारी 3। ये यश के पापा बैठे हैं, एक सीट है यश सुनीता रहा और यश सुनीता रहा यहाँ बैठ गए। इनकी 2 सीट है दोनों उनकी, ये यहाँ बैठ गए। और काफी सारी भीड़ भी है, मेरे ताज दूज रो एक ज्यादा कमर है। और देखो ये तुम्हें कितनी सारी भीड़ है, या तो बहुत तेज झूल रहा है। तो अब हम भी यहाँ पे बैठेंगे, एक सीट यहाँ पे है हमारी। हाँ तो दोस्तों हम यहाँ पे बैठ गए हैं और यशु और नितारा इधर है, हमारी एक सीट है, मैं तो इधर बैठूंगा और यशु और नितारा उधर बैठने वाले हैं। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचाती है, वैसे 8:30 बजे का टाइम है। फिर चंदन वहाँ से बस का सफर तय करेगी। तो हम यहाँ पे उतरने वाले हैं, ये हिंडोन स्टेशन पे। अभी यहाँ पे गाड़ी आई है तभी हम उतरेंगे। बैग बैग ले लिया इन्होंने सबने, खेलो खड़ी है और इधर नितारा और इधर यशु दंगा करने में लग रहा है। मुझे बेटा उतरने वाले यहाँ पर इधर आराम से चल बेटा। हाँ तो दोस्तों अब हम इंडोन स्टेशन पे आ गए हैं और अब यहाँ स्कैन से जा रहे हैं और अब हम वहाँ से ऊपर जाएंगे पुलिया पे, फिर पुलिया पे से बस पकड़ने वाले हैं। वैसे सर्दी यहाँ पे तो और भी ज़्यादा पड़ रही है और हवा भी बहुत चल रही है ठंडी ठंडी, और भीड़ भी काफ़ी आई है वैसे ट्रेन में। बस ज़्यादा देर तो रुकती नहीं है, ये आज पहली बार काफ़ी दिनों बाद इधर होके आए हैं इंडोन होके। हालांकि नहीं तो हम उधर होके जाते हैं, जयपुर होके जाते हैं अधिकतर, लेकिन आज नाइट का सफ़र में ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसलिए हम इधर होके आए हैं। अब ये ट्रेन तो चल भी दी है यहाँ से। हाँ बेटा वहाँ से बस पकड़ेंगे पुलिया का ऊपर चढ़ के। वैसे उतरने के बाद हल्की हल्की धूप भी आ गई है तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगा है,
तो ट्रेन में भी काफी सर्दी हो रही थी, खेलू तो ठिठुर गई थी, इसने तो पूरा मुंह भी बांध रखा है और वो ओढ़ भी रखा है। यहाँ से वैसे बस और टेम्पू और जीपे भी मिल रही है हालांकि, पर ये तो महुआता की मिल रही है और अब हमको तो डायरेक्ट अलवर वाली बस पकड़नी है ताकि उससे उतर जाएंगे। गंगापुर तो रह गया बेटा, पीछे ट्रेन में आए थे। अभी यहाँ से हम पुलिया पे चढ़ रहे हैं। यसू और नितारा को तो चाव भी लग रहा है बहुत ज्यादा घर पे जाने का। तो यसू और नितारा चढ़ गए हैं धीरे धीरे ऊपर, अब खेलो चढ़ रही है और पीछे पीछे। अब तो काफी दिन, हफ्ते भर तो कम से कम मेरे को बना के खाना पड़ेगा, अकेले छोड़ के जा रहे हैं ये। मैंने इनको खाली सिर्फ यहाँ पर इंडोन तक बिठाने आया था बस में। तारा और यस्तु इसकी मम्मी को यहाँ से इंडोन की ये पुलिया यहाँ से बस में बिठाने वाला हूँ। वेट कर रहे हैं, अभी बस आई नहीं है हमारी वाली, तो इनको फिर बिठा के मैं तो फिर वापस कोटा जाऊँगा। आप बैठ गए हम बस में, ये अस्मिता रहे बहुत लेट जाके बस आई थी और ये अस्मिता के पापा है ना वो चले गए हमें छोड़ के, और खुल पारी है ये बस देख लो बिल्कुल। अभी तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे जगह मिली थी, यहाँ पे बैठ गए हम लोग। तो अभी तो अब खेत उतरेंगे तब बताएंगे। यसु यसु निकाल यहाँ पे जयपुर नहीं, अब तो डायरेक्ट घर पहुंचा मैं थोड़ी देर में। तो ये मऊए का बाजार है, तो दंगू कर रहे हो या वजह से? तो यहाँ से मुड़ती है अलवर की तरफ बस, हाँ फिर उतरेंगे। बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे नहीं, ये जा रहा अलवर की तरफ। ये आ गया घड़ी का मार्केट है, हाँ घड़ी का मार्केट है, यहाँ पे भीड़ हो रही है। खिलौना आप कर लेगा तो आ गए। ये कांदोली बाईपास और इधर है पुलिस थाना चौकी है। यसु भाई रे ये छेड़ तो मैं बहुत हो रही है नामी, यहाँ आ जा भाई। और ये नीतारा ने तो उल्टी कर दिया ना और परेशान कर दिया। तो देख लो ये सफर बहुत टाइट से करके आए हैं हम बच्चों को लेकर। ये हमारा कांदोली बाईपास है, तो यहाँ पे लेने के लिए हमको इनके चाचा जी आने वाले हैं। हम इधर उड़ना देखो कैसी मुंह हो रहा है आपका। इनके चाचा आए लेने के लिए, दोनों बैठ गए हैं तो हम भी बैठ जाते हैं। ये बैग है दोनों। अब आ गए हम हमारे घर की तरफ, देखो अभी तो खेतों में है और ये चाची ना क्या आ रही है। चाची स्मेल कर और देखो माई है उधर, एक माई बैठी है बगल में ही, वो नीम काटी है तो बरोटा लेके जा रही है चूट के, और भैंसों को चारा डालेगी फिर। और देखो यहाँ पे हमारी फसल कितनी अच्छी हो गई है, लहरा रही है एकदम बहुत अच्छे से। वो अब चल दिए हम घर की तरफ और मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, और बच्चों को तो उनके चाचा जी लेके हैं। देखो यहाँ पे आके तो अलग ही लग रहा है, मतलब जो फीलिंग यहाँ की होती है ना वो वहाँ की नहीं होती है, बहुत अच्छा लग रहा है आके। और सब घर वालों से मिलाएंगे जो भी है घर पे। और ये हमारा घर दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
सरसों की फसल जी जी भी है यहीं पे। हमारा रॉकी और ये है हमारा रॉकी, देखो। अरे 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 अरे, बस 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 बस, नाम लेते ही कैसे छोड़ गया। अच्छा है ये, अच्छा। हर जाओ बेटा, हर जाओ, बस बस बस, अब बहुत बहुत बहुत। माई राम राम, रॉकी मान जाओ। तो अभी हम लोगों को आया, थोड़ा समय हो गया है, दूसरे कपड़े भी पहन लिए, घर वालों से मिलाया नीता मैंने, क्योंकि उस समय थे नहीं। तो चलो मैं मिलाती हूँ, अभी भी नहीं है, हमारी जीजी भी नहीं है और घर वाले भी नहीं है, और बच्चे खेल रहे हैं, यश भी खेलने लग गया है और नितारा भी खेल रही है, और हमको भी नहीं मिले घर वाले। हाँ, और इधर कविता भी है, टोप लगा रखा है, आर को राख रही है। तो दोस्तों, आप सभी को हम मतलब आज सुबह से आए थे, तो कभी रेलों में कभी बस में बहुत ज़्यादा सफ़र किया था, तो नितारा तबीयत भी खराब हो गई थी इसलिए, और इनको आकर नहलाया था, तो मैंने फिर ब्लॉग बंद कर दिया था कि बाद में बताएंगे हम सभी को। तो अब हमारी जीजी कभी भी नहीं है, लेकिन हम जो वीडियो डाल रहे हैं ना, इसको देख के बताना क्या ठीक है कि नहीं है, और नीता के पापा नहीं पाए, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी डालेंगे। तो हम किस लिए आए हैं एक साथ, दोनों दोनों, कविता भी और हम भी, ठीक है। तो बाय दोस्तों, आपको वीडियो लगे तो जरूर जरूर बताइएगा। और यस, आते ही पानी में पानी भी ख्याल करने लग गई नीता, यस।